चलिए स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग फर्दर, अब बात करेंगे हम जैसे डी ब्लॉक में हमने कंपाउंड्स पढ़ रहे थे हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, तो मैंने कहा था कि जेई एडवांस्ड के सिलेबस में नहीं, जेई मेन के सिलेबस में तो केवल K1O4 और K2Cr2O7 हैं, यही दो कंपाउंड एनसीईआरटी में दिए हुए भी हैं जिनके बारे में बात करनी थी। बट एडवांस्ड के लिए तो हमें सल्फेट्स पढ़ने होते हैं, कॉपर के, जिंक के, आयरन के, ऑक्साइड्स पढ़ने होते हैं इन्हीं मेटल्स के, साथ में सिल्वर ऑक्साइड भी, और साथ में फोटोग्राफी भी पढ़ना है, और इसी तरीके से क्लोराइड्स भी पढ़ने हैं, कॉपर का क्लोराइड, आयरन क्लोराइड। पर ध्यान दो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ आपको आयरन का सल्फेट Fe4.7H2O, ग्रीन कलर का, ग्रीन विट्रियोल भी बोलते हैं उसको, कुछ नया नहीं है। ये जो हम ऑक्साइड्स पढ़ने वाले हैं या अभी सल्फेट पढ़ रहे हैं कॉपर का, जिंक का, आयरन का, कुछ नया नहीं है, क्योंकि इनके जो कैटायंस हैं वो हम क्वालिटेटिव एनालिसिस कैटायंस में पढ़ चुके हैं। मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस हैव बीन कवर्ड ओवर देयर। तो आप अगर ये पढ़ोगे और क्वालिटेटिव एनालिसिस अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको ऐसा लगेगा ये तो पता है, ये वाला पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, अच्छा ये हीटिंग इफेक्ट है। बट चूँकि क्वालिटेटिव एनालिसिस में तो आप एक्वस सॉल्यूशंस की रिएक्शंस के बारे में बात करते हो, हीटिंग इफेक्ट वहाँ नहीं पढ़ते। हालांकि मोस्ट ऑफ द हीटिंग इफेक्ट वहाँ भी मैंने बता दिया थे, कहाँ, क्वालिटेटिव में तो बताए ही थे। बोलो कौन सा, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो सुपर हिट हैं वो लेक्चर्स, अगर पढ़ लो तो ब्लॉक केमिस्ट्री तो कब्जे में आ जाती है आपके, तो जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जरूर पढ़ें ये सब पढ़ने से पहले। चलिए बात करेंगे फर्दर कंपाउंड, Fe4 तो हमने पढ़ लिया था, नाउ कॉपर सल्फेट सेकेंड कंपाउंड। CuSO4.5H2O ब्लू कलर का कंपाउंड होता है इसको, अब चूंकि सल्फेट है तो ब्लू विट्रियोल मैंने कहा भी था, विट्रियोल मतलब सल्फेट्स, ऑयल ऑफ विट्रियोल कौन होता है, H2SO4। तो क्या कंपाउंड, क्या प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ द कंपाउंड में कॉपर ऑक्साइड या कॉपर हाइड्रोक्साइड को अगर आप H2SO4 सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर लो तो यू विल गेट कॉपर सल्फेट प्लस H2O, नथिंग न्यू रिएक्शन। ऑब्वियसली बेसिक ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड है, एसिड में तो घुलेंगे कैसे, रोक लोगे, जनरल बेसिक बात है, एक तरीके से एसिड बेस रिएक्शन है ये। एंड देन कम्स लाइक कॉपर को H2SO4 में, अगर H2SO4 एक्वस अगर डाइल्यूट ले रहे हो तो फिर वो ऑक्सीजन भी लेना पड़ेगा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि डाइल्यूट H2SO4 में कॉपर लेस रिएक्टिव है, नोबल मेटल में काउंट होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है, तो डाइल्यूट एसिड में इसकी रिएक्टिविटी नहीं है, तो या तो O2 प्रोवाइड करो तो बन जाएगा कॉपर सल्फेट प्लस H2O। बट अगर आप कॉपर की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट एंड हॉट H2SO4 से करा दो तो फिर O2 की जरूरत नहीं है, ये खुद अपने आप में एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है एंड फॉर्म्स कॉपर सल्फेट प्लस SO2 प्लस H2O। सो लाइक दैट रिएक्शन विल अकर एंड दिस इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यू शुड रिमेंबर। कमिंग टू थर्ड, बस यही है, दीज आर द रिएक्शंस। नाउ प्रॉपर्टीज बहुत ब्रीफ में है, कुछ नई बात नहीं है, कॉपर टू प्लस की मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस वी स्टडीड इन क्वालिटेटिव एनालिसिस प्रॉपर्टीज। अब कॉपर टू प्लस एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पहला तो कॉपर सल्फेट की बात देखें, एनहाइड्रस CuSO4 वाइट क्रिस्टल्स होते हैं, जबकि हाइड्रेटेड CuSO4 दैट इज व्हाट CuSO4.5H2O ब्लू क्रिस्टल्स होते हैं। इनफैक्ट ये जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है ये तो डिहाइड्रेटिंग सब्सटेंस के रूप में भी काम होता है, मॉइस्चर अब्सॉर्ब करने के बाद में द वाइट क्रिस्टल्स कन्वर्ट इनटू द ब्लू, तो ये पहचान भी होती है मॉइस्चर की कि इन्होंने मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यू शुड रिमेंबर। देयर आफ्टर लाइक केमिकल रिएक्शंस में कॉपर सल्फेट NaOH से रिएक्शन करता है सोडियम कार्बोनेट बेसिक सॉल्यूशन से, क्यों, कॉपर टू प्लस का सॉल्यूशन एसिडिक होता है बिकॉज ऑफ द हाइड्रोलिसिस ऑफ कॉपर टू प्लस, आयनिक इक्विलिब्रियम आ गया वापस से, कॉपर टू प्लस हाइड्रोलाइज होता है एसिडिक होगा तो बेस से रिएक्शन करेंगे, ब्लू कलर का कॉपर हाइड्रोक्साइड विल बी प्रेसिपिटेटेड।
प्लस सोडियम सल्फेट या फिर सोडियम कार्बोनेट विल बी फॉर्म्ड इन अकॉर्डिंगली इन द सॉल्यूशन। नाउ दिस रिएक्शन इज कॉमन, आप पढ़ चुके हो, कॉपर सल्फेट में जिंक मिला दो। डेनियल सेल इसी पे तो वर्क करता है गैल्वेनिक सेल्स में। डेनियल साहब पहले इंसान थे जिन्होंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑप्टेन की इस तरह का सेल बना करके जिंक और कॉपर के। तो जिंक या आयरन चूंकि मोर एक्टिव मेटल्स हैं, सो दिस विल रिएक्ट टू फॉर्म जिंक सल्फेट या FeSO4 बन जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन जिंक यूज कर रहे हो या आयरन यूज कर रहे हो सॉलिड फॉर्म में। प्लस कॉपर विल बी प्रेसिपिटेटेड, कॉपर सॉलिड विल बी प्रोड्यूस्ड। क्या मोर एक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस एक्टिव मेटल फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन? तो इस तरीके से आप ये कहेंगे। एक बार नोट करो, थोड़ा सा और जगह चाहिए होगी लिखने के लिए। नोट इट डाउन। हटाई देते इसको भी। नेक्स्ट रिएक्शन, आई थिंक वी हैव रिटन थ्री रिएक्शन, फोर्थ पॉइंट। अब कॉपर सल्फेट एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पोटेशियम आयोडाइड के साथ। आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन भी इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके होते हैं। COI का वाइट PPD बनाता है एंड इट फॉर्म्स I2 और I3-। सिमिलरली कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विद KSCN सॉल्यूशन। CuSCN का PPD बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड भी यूज करते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट विच हेल्प्स द रिएक्शन टू बी फास्टर। तो CuSCN क्वालिटेटिव एनालिसिस में कवर्ड है ये रिएक्शंस। वाइट PPD ऑफ CuSCN इज फॉर्म्ड प्लस K2SO4 ऑलरेडी स्टडीड इन क्वालिटेटिव कैटायंस। जिस बच्चे ने क्वालिटेटिव एनालिसिस कैटायंस अच्छे से रिवाइज किया हुआ होगा, डी ब्लॉक में उसे इतनी हेल्प मिलेगी, उसको लगेगा ये भी आता है ये भी आता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है आपका। बट याद रखने की बात है, रिविजन करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, खासकर ब्लॉक केमिस्ट्री क्वालिटेटिव एनालिसिस हर हफ्ते 15 दिन पर रिविजन कर लेना चाहिए, वरना बहुत वॉलेटाइल है ये सब, उड़ जाता है। वेपर प्रेशर बहुत कम है, वेपर प्रेशर और बहुत ज़्यादा है इसका, एकदम उड़ जाएगा ये। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। नाउ हीटिंग इफेक्ट इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज इम्पॉर्टेंट। CuSO4.5H2O। अच्छा ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, ब्लू कलर का कंपाउंड है ये, और इसके अंदर इन दिस आउट ऑफ 5 4H2O आर डायरेक्टली अटैच्ड टू कॉपर 2+। ये बात हम केमिकल बॉन्डिंग में भी समझा चुके हैं कि कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 में 5 वाटर में से केवल 4 डायरेक्टली अटैच्ड टू कॉपर 2+ हैं, 5th वाटर इज कनेक्टेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको हीट करते हो तो ये लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करने पर इट फॉर्म CuSO4.5H2O सिंगल H2O। एंड इफ इट इज हीटेड अराउंड 250 डिग्री सेल्सियस पर हीट करो, सो दिस बिकम्स एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। हाँ, लेकिन इसको अगर हीट कर दो बहुत स्ट्रांगली, देन इट कन्वर्ट्स टू CuO+SO2+O2। When temperature is more than 800 degrees Celsius, it becomes like this. Extreme heating gives this. So this is an important reactions. ये point थे, uses क्या हैं copper sulfate के? एक तो making Fehling solution. कौन नहीं जानता Fehling का नाम? Fehling हुआ, Benedict solution हुआ, Fehling solution हुआ, रिड्यूसिंग शुगर्स को चेक करने में काम आता है। तो मेकिंग Fehling सॉल्यूशन टू टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग शुगर्स, रिड्यूसिंग शुगर्स
इलेक्ट्रोप्लेटिंग में फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में काम आता है, साथ में मेटलर्जी में भी काम आता है ये, और थर्ड बॉडी एक्स मिक्सचर फॉर मेकिंग BOR, DEAU, बॉडी एक्स मिक्सचर. दिस इज इम्पॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर. बॉडी एक्स मिक्सचर क्या है? ये एक फंगिसाइड है. फंगिसाइड इन एग्रीकल्चर, इट इज अ फंगिसाइड इन एग्रीकल्चर. सो व्हाट इज दिस मिक्सचर? दिस इज कॉपर सल्फेट प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कॉपर सल्फेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक फंगिसाइड की तरह वर्क करता है एग्रीकल्चर में. बोलते हैं इसको बॉडेक्स मिक्सचर. तो ये याद रखेंगे. तो गाइज ये थे, याद करने से ये पॉइंट याद होंगे. एनसीईआरटी में ये पॉइंट्स नहीं है क्योंकि ये जेई एडवांस्ड के लिए एडिशनली प्रेस्क्राइब्ड कंपाउंड्स हैं ऑफ आयरन, कॉपर एंड जिंक. नोट इट डाउन. सल्फेट तीन पढ़ने होते हैं हमें. कौन? फेरस सल्फेट हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, अभी जिंक सल्फेट. नोट इट डाउन. Now, the third compound we are going to study, zinc sulfate. ZnSO4.7H2O, white vitriol. Zinc ke most of the compound salts are white, white vitriol. Preparation, white color compound hai, zinc sulfate. जिंक को डिसॉल्व कर दो डाइल्यूट H2SO4 में. जिंक तो एक अच्छी खासी एक्टिव मेटल है, हाइड्रोजन से काफ़ी ऊपर है इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. डिसॉल्व्स इन H2SO4, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, क्रिस्टलाइज करके जिंक सल्फेट ही मिल जाएगा एंड द H2 गैस विल बी इवॉल्व आउट. नॉट ओनली दैट, जिंक ऑक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, ये सब एक तरीके से एम्फोटेरिक कंपाउंड्स हैं एंड द डिसॉल्व इन डाइल्यूट H2SO4 to get ZnSO4 plus H2O. The compounds will be prepared like this. Zinc carbonate भी ले सकते हो. तो ये preparation methods थे. Properties, zinc sulfate है NaOH के साथ जिंक आयन का कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होता है. सॉल्यूशन इज एसिडिक, तो एसिडिक सॉल्यूशन होता ही है, तो ऑब्वियसली बेस से तो रिएक्शन करेगा. तो क्या बनाएगा? इट विल फॉर्म जिंक हाइड्रोक्साइड. दिस इज वाइट पीपीटी जो कि एक्सेस ऑफ NaOH में डिजॉल्व हो जाएगा. क्या बनाएगा? Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट. नहीं, कुछ नया नहीं है मेरे पास, कुछ भी नया नहीं है. यूजेस में भले ही कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल जाए आपको, एंड अकॉर्डिंगली सोडियम सल्फेट विल बी फॉर्म्ड. नथिंग न्यू इन दीज केमिकल रिएक्शंस. हीटिंग इफेक्ट, दैट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट. तो हीटिंग इफेक्ट में ZnSO4.7H2O आप जब हीट करते हो अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस, तो इट फॉर्म्स ZnSO4. और इसको हीट फर्दर स्ट्रांगली कर दो तो ZnO प्लस SO3, SO3 को भी टेम्परेचर मोर देन 800 डिग्री सेल्सियस कर दो, टूट जाता है SO2 प्लस O2 में. तो हीटिंग इफेक्ट इज लाइक दिस. यूजेस जिंक सल्फेट के मेकिंग लिथोपोन, फॉर मेकिंग लिथोपोन, ये इंपॉर्टेंट यूज है. लिथोपोन actually is the mixture of barium sulfate and zinc sulfide. Barium sulfate plus zinc sulfide banta kaise hai ye? After mixing obtained from zinc sulfate and barium sulfide,
इनको मिक्स करते हैं तो बेरियम सल्फेट का पीपीटी बनता है और ZnS इनसॉल्युबल है ये बन जाता है। ये इनिशियल स्टार्टिंग कंपाउंड है, स्टार्टिंग कंपाउंड ये है। इनको मिक्स करते हैं, आयन एक्सचेंज होते हैं, बेरियम सल्फेट एंड ZnS ऑप्टेन होता है जिसे लिथोपोन बोलते हैं, और लिथोपोन इज यूज्ड एज वाइट पेंट, यूज्ड इन मेकिंग, ऐसे लिख दो, इन मेकिंग वाइट पेंट। तो वाइट पेंट में इसका इस्तेमाल करते हैं, आई लोशन में भी इस्तेमाल करते हैं, आई लोशन। दैट इज कुछ नया नहीं है, कुछ स्पेशल नहीं है, कोई कोई बीच में पॉइंट इंपॉर्टेंट आएगा, जैसे हीटिंग इफेक्ट हमेशा से इंपॉर्टेंट रहे हैं, दैट यू शुड रिमेंबर, बट हीटिंग इफेक्ट में भी कोई स्पेशल रिएक्शन नहीं है। सल्फेट्स का हीटिंग इफेक्ट, कार्बोनेट्स का हीटिंग इफेक्ट, नाइट्रेट्स का हीटिंग इफेक्ट, बाइकार्बोनेट्स का हीटिंग इफेक्ट, ऑल यू स्टडीड वो जनरल इनऑर्गेनिक GIC में कह लो, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इवन क्वालिटेटिव एनालिसिस एनायंस में बताए हुए हैं। ये सल्फेट हो गया, चलो ऑक्साइड की बारी लेते हैं। नाउ बारी ऑफ ऑक्साइड, बारी ऑफ ऑक्साइड मतलब अब ऑक्साइड का नंबर है। लिखो ऑक्साइड्स में आयरन का ऑक्साइड लेंगे, जिंक का ऑक्साइड लेंगे, कॉपर का ऑक्साइड लेंगे, सिल्वर का भी लेंगे। तो लेट अस टेक ऑक्साइड्स, जो स्टूडेंट जेई मेन के लिए अगर प्रिपेयर कर रहा हूं तो चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं ये सब, हालांकि इसमें कुछ नया है नहीं। जो जनरल कॉन्सेप्ट इनऑर्गेनिक अब तक पढ़ी है, डी ब्लॉक में काफी कुछ रिपीट होता है। डी ब्लॉक में इनफैक्ट ये शुरुआत वाला जो मटेरियल है ना, SRP डेटा, उनका इंटरप्रिटेशन, स्टेबिलिटी ऑफ द वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्वस सॉल्यूशन, उसके रीजंस, ये इन पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और ये कई बार बच्चों को थोड़ा समझने में समय लगता है। नाउ फोर्थ कंपाउंड फेरिक ऑक्साइड, ऑक्साइड्स ले रहे हैं फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 रेड कलर का कंपाउंड होता है। क्या प्रिपरेशन कैसे करें, फेरिक का हाइड्रोक्साइड को हीट कर दो, फेरिक हाइड्रोक्साइड को स्ट्रांगली हीट करोगे तो Fe2O3 प्लस H2O, रेड सॉलिड होता ही है रेड पाउडर के फॉर्म में, साथ में फेरस सल्फेट को हीट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं बता भी चुका हूँ, फेरस सल्फेट को स्ट्रांगली हीट करो तो यू विल गेट Fe2O3 सॉलिड रेड सॉलिड प्लस SO2 एंड SO3 दो गैसेस इवॉल्व होती हैं, और ये पॉइंट IIT में एक बार इस्तेमाल हो चुका है क्वेश्चन में, हालांकि यहीं पे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं फिर बार बार बोलता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर 5 बार भी बोलना पड़े ना तो उसको रिपीटेटिव मत माना करो, उसको इंपॉर्टेंट पॉइंट करके माना करो। Fe2SO4 थ्राइस इसको हीट करोगे सॉलिड को यू गेट Fe2O3, तो यहां से भी मिल गया रेड पाउडर प्लस ओनली गैस SO3 इज इवॉल्व्ड आउट, बैलेंसिंग कर लेना अपने हिसाब से। सो गाइस दीज वर द मेथड्स, हालांकि दिस कैन बी ऑल्सो बी ऑक्सीडाइज्ड बाय FeS, इसका ऑक्सीडेशन कराओ, हीट करो एयर में, यू गेट Fe2O3, ऑफकोर्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है Fe2O3 प्लस SO2 गैस इज इवॉल्व्ड आउट। सो दीज आर द रिएक्शंस ऑफ द प्रिपरेशंस। नाउ प्रॉपर्टीज, रेड पाउडर इनसॉल्युबल इन वॉल्यूम, डीप रेड पाउडर, हालांकि जो जंग लगता है लोहे को रस्टिंग होती है उसका भी एक्टिव कंस्टिट्यूएंट तो यही है ना Fe2O3.XH2O, रेडिश ब्राउन हो जाता है वो, तो ये डीप रेड पाउडर है, इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल मतलब ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वॉटर, तो दिस इज इनसॉल्युबल इन वॉटर। रिएक्शन Fe2O3 सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है और बनाता है, हीट करने पर फ्यूजन किया NaFeO2 प्लस 3 में आ गया ये, और ये फर्दर अगर क्लोरीन के साथ ऑक्सीडाइज कर दो इन बेसिक मीडियम एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो बना लेता है Na2FeO4 प्लस 6 में, फर्रेट बनते हैं इस तरीके से। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यू शुड रिमेंबर, दिस इज एन इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट अब Fe2O3 है, रिएक्शन करेगा HCl के साथ में, बेसिक मेटल का ऑक्साइड यूजुअली बेसिक होते हैं,
तो बना लेगा। तो एक तरीके से ये रिएक्शन एम्फोटेरिक नेचर को भी शो करता है Fe2O3 के। तो Fe2O3 पेरिस रिएक्शन में एक तरीके से एम्फोटेरिक है क्योंकि ये बेसिक कंपाउंड है, तो एसिडिक नेचर का हो गया, और यहाँ ये बेसिक नेचर का हो गया, HCl से रिएक्शन कर रहा है, तो बनाएगा FeCl3 एक्वस प्लस H2O। एल्यूमिनियम ऑफकोर्स Fe2O3 एल्यूमिनियम स्ट्रांगली हीट करो, फ्यूजन करवाओ, और हीट करोगे तो आयरन मेटल मिल जाएगी। मेटलर्जी में पढ़ा भी है ये, क्या नाम था इस प्रोसेस का, थर्माइट प्रोसेस फॉर ऑप्टेनिंग द मेटल्स बाय यूजिंग द रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ एज एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट हियर, एंड लॉट ऑफ हीट इज लिबरेटेड आउट। सो दिस इज द प्रोसेस। ये थे यूजेस, यहां लिख लो, ऑफ Fe2O3। लाल रंग का पाउडर है, रेड पिगमेंट, एज रेड पिगमेंट। पिगमेंट क्या होता है? कलरिंग सब्सटेंस। कलरिंग सब्सटेंस बनाने में ये पिगमेंट मिलाए जाते हैं ताकि ओवरऑल कुछ हम कलरिंग सब्सटेंस या डाइज बना सकें। कैटलिस्ट के रूप में भी यूज होता है, एज कैटलिस्ट। तो गाइज ये थे प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फेरिक ऑक्साइड। कलर भी याद हो गया आपको, रेड पाउडर है, और नेचर इसकी यहाँ पर एसिडिक हो गई, यहाँ बेसिक हो गई, सो इट इज एम्फोटेरिक। Fe2O3 एक्ट्स एज ए एम्फोटेरिक सब्सटेंस। नोट इट डाउन, इसको भी नोट करो। नाउ लेट अस टेक जिंक ऑक्साइड, वाइट कलर का कंपाउंड है। जिंक के मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स आर वाइट इन कलर। जिंक, कैडमियम, स्कैंडियम, इनके कंपाउंड जो हैं वो वाइट ही होते हैं, और ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो नहीं करते। खैर ये बात तो हम कब से कहते आ रहे हैं, खैर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कब से कह रहे हूँ, या आप सुना हो, याद होना चाहिए, मौके पर याद आ जाना चाहिए, जब एग्जाम लिख रहे हो तो ये सब याद होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट कंपाउंड नंबर, अच्छा ऑक्साइड चौथा था, पांचवा जिंक ऑक्साइड। ZnO, इसको फिलोसफर्स वूल भी बोलते हैं। फिलोसफर्स वूल भी बोलते हैं। व्हाइट कलर का कंपाउंड होता है, प्रिपरेशन प्रिपरेशन में जैसे डायरेक्टली जिंक को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके हीट कर दो, जिंक ऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड, और जिंक कार्बोनेट को हीट कर दो, देन आल्सो यू विल गेट जिंक ऑक्साइड प्लस CO2। जिंक नाइट्रेट को हीट कर दो, अब ये कुछ नई रिएक्शन नहीं है, अब ये तो सब बता चुके हम, जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा प्लस NO2 गैस प्लस O2 गैस विल बी इवॉल्व्ड आउट। ऐसे जिंक हाइड्रोक्साइड को भी हीट करोगे तो जिंक ऑक्साइड विल बी ऑब्टेन। प्रॉपर्टीज, व्हाइट पाउडर इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। जैसे जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक सब्सटेंस है, कोई नई बात बताई क्या? ना, ऑफ कोर्स एसिड से भी रिएक्शन करेगा और बेस से भी रिएक्शन करेगा। एसिड से रिएक्शन करेगा तो जिंक क्लोराइड प्लस H2O, और बेस से रिएक्शन करेगा तो जिंक हाइड्रोक्साइड का मान लो PPT बना प्लस H2O, और यदि एक्सिस में मिला दो NaOH को तो जिंक Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट इज फॉर्म्ड Na2ZnO2 एक्वस। तो कोई नई बात नहीं है, दिस यू नो। यूजेज, कोई खास बात नहीं है, आप चाहो तो स्किप भी कर दो, अगर स्किप कर दिया तो सर क्वेश्चन आ गया तो भी सॉल्व कर लोगे। अगर आपने जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा है, क्वालिटेटिव पढ़ा है, इससे पहले की ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ी है, तो भी कुछ क्या नया मुझे बताइए जरा, क्या नया है? एम्फोटेरिक है, कब से पता है एम्फोटेरिक कंपाउंड्स? मोस्ट कॉमन कंपाउंड बेरिलियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ZnO, Cr2O3, ये सब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। यूजेस में, वाइट पेंट, एज अ वाइट पेंट
वाइट पेंट में इसका काम आता है, मेकिंग वाइट पेंट इवन इन H2S एटमॉस्फियर इट रिमेन्स वाइट एज ZnS इज ऑल्सो वाइट। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये, सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है एज ए वाइट पेंट में, नाल करके मेकिंग वाइट पेंट कर दो, मेकिंग वाइट पेंट, वाइट पेंट बनाने में काम आता है क्योंकि हवा के अंदर भाई पेंट कर दिया दीवारों को, बाहर दीवार है सफेद रंग की कर दी, अस्पताल सफेद रंग के होते हैं जैसे कई बार बताते हैं, सूदनिंग कलर होता है थोड़ा सा, तो वाइट पेंट कर दिया, उसमें जिंक ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हवा के अंदर पॉल्यूटेंट्स होते ही हैं, पॉल्यूटेंट्स में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं, H2S भी होता है थोड़ी सी कंसंट्रेशन में, वो H2S कई बार अटैक मारता है ZnO को, तो ZnO अगर H2S की प्रेजेंस में अगर मान लो अटैक भी करेगा तो ZnS बनाएगा, और ZnS अपने आप में वाइट है, एकमात्र इनसॉल्युबल सल्फाइड विच इज वाइट इन कलर इज ZnS। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्वालिटेटिव एनालिसिस में चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के मैंने बोला था, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू शुड रिमेंबर। अच्छा, इसी का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिनमैन्स ग्रीन बनाते हैं, रिनमैन्स ग्रीन आपने क्वालिटेटिव एनालिसिस में पढ़ा भी था, रिनमैन्स ग्रीन क्या होता है, मिक्स्ड ऑक्साइड है ZnO डॉट COO और ZnCOO2 मिक्स्ड ऑक्साइड है, और ये रिनमैन्स ग्रीन ग्रीन पेंट बनाने में काम आता है, यूज्ड इन मेकिंग ग्रीन पेंट्स, ग्रीन पेंट्स बनाने में काम में आता है। तो गाइज ये सब पॉइंट्स थे दैट यू हैव टू रिमेंबर, ये था जिंक ऑक्साइड, नोट करें पूरी बात।